सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज का व्लॉग होने वाला है उसमें मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि किन्नौर में, आप लोगों को वैसे काफ़ी डिमांड है कि मतलब आपने काउज़ के ऊपर प्लीज़ वीडियो बनाए। मैंने काफ़ी कमेंट पढ़े इस चीज़ के बारे में कि काउज़ के ऊपर प्लीज़ वीडियो बना के दिखाइए, हमें कैसे ध्यान रखते हैं आप लोग। तो हमारे जो काउज़ है उनका हम ध्यान ऐसे रखते हैं, जैसे कि सर्दियों में उनका खाना अलग होता है और गर्मियों में खाना अलग होता है। सर्दियों में ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, ठंड की वजह से उनका बचाव करना होता है, बहुत कुछ होता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए तो गाइस, ये है हमारा गौशाला, काउ शेड है ये। जिसे हमारी बोली में खुरंग बोलते हैं, काउ शेड को हमारी बोली में खुरंग बोला जाता है। यहाँ ऊपर घास रखते हैं और नीचे काउज रखे जाते हैं। तो एक इस टाइप का बनाया होता है, इसे हमारी बोली में यूल्स बोलते हैं। इसमें छोटे बच्चों को रखा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं एक बच्चू और यहाँ दूसरी साइड भी है ये बनाया हुआ। इधर भी छोटे छोटे बच्चू है, छोटे छोटे बच्चू खा रहे हैं। गाय को हम ऐसे धूप में निकालते हैं और उसके बाद हम गाय को नहलाते हैं अच्छे तरीके से, जैसे गोबर लगी हो उसे साफ़ करते हैं। भाई हर इंसान चाहता है साफ़ होना, तो जानवर भी क्यों नहीं चाहते हैं साफ़ होना। तो हम क्या करते हैं, इसे ऐसे धूप में, ठंडे पानी से नहीं, सर्दियों में हम गर्म पानी से नहलाते हैं इनको, क्योंकि आप लोगों को जैसे ही पता है स्नोफॉल होती है, कितनी ठंड होती है हमारे यहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर रहता है कभी कभी। तो इसलिए फिर हम गर्म पानी यूज़ करते हैं इन्हें नहलाने के लिए। जहाँ हम घास रखते हैं सूखी घास, और इसे हमारी बोली में कहते हैं बाछर, जहाँ पर घास रखते हैं उसे बाछर बोलते हैं। किन्नौर में और जगह मुझे नहीं पता क्या बोलते होंगे, तो मेरे किन्नौर वाले आप ज़रूर बताइएगा कि आपके गांव में इसे घास रखने वाले को क्या बोलते हैं। और जो घास आप लोगों को ये पीछे दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, ये देखिए ये घास, आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि जो मैंने विलेज लाइफ वाली वीडियो बनाई थी उसमें हम घास काट रहे थे और इस तरीके से लड़ियाँ बना रहे थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। तो वो ये वही घास है जो हम विंटर के लिए सेव करके रखते हैं, हम उसमें कह रहे थे, और यही घास हम लोग यहाँ रखते हैं और गाय को खिलाते हैं। और देखिए कितना फ़ायदा है, हम गर्मियों में काट के रख देते हैं और सुखा के रख देते हैं, और सर्दियों में काम आते हैं क्योंकि सर्दियों में हरी घास तो मिलती नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ये घास रखते हैं और गाय को खिलाते हैं, और बताती हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या देते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये पत्तियाँ, ये मिक्स पत्तियाँ हैं जो भी हमारे पेड़ों से घिरते हैं यहाँ आसपास में, जितने भी मिक्स पत्तियाँ हैं, जैसे मतलब सारे फ्रूट्स के ले लो, चाहे आप कुछ और वाली पत्तियाँ जैसे जंगलों में होती है, वो सारी पत्ती इकट्ठे करके रखते हैं और ये हम लोग गाय को खिलाते हैं। ये पत्तियाँ भी सर्दियों में काम आती हैं खिलाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि गाय बहुत अच्छी दूध देती है और गाय की सेहत भी बहुत अच्छी रहती है इन सब ये चीज़ें खिलाने से। तो आगे आगे आइए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और गेहूं का बूस है, जैसे कि हम लोग जब मशीन में डालते हैं गेहूं को तो अलग से एक ये बूस निकलता है, तो ये भी हम गाय को खिलाते हैं और ये भी बहुत अच्छा होता है। वेस्ट हम कुछ चीज़ जाने नहीं देते, जो कि ऐसा है कि इसे कहाँ लगाएंगे, वेस्ट तो करेंगे नहीं। तो ये है कि हम इसे गाय को खिलाते हैं और बहुत अच्छा रहता है। विंटर्स में खिलाने के लिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अलग अलग वैरायटी की चीज़ें मिल जाती है गायों को भी खाने के लिए। तो एक ये चीज़ भी खिलाते हैं। पीछे देख सकते हैं आप, वहाँ पर हमने वो रखा हुआ है, वही लड़ियाँ वाली घास, जिसे हमारी बोली में बोलते हैं गोलंग ची। ची मीन्स घास, गोलंग मीन्स लड़ियाँ, तो ये हो गया गोलंग ची, वहाँ पीछे रखा हुआ है वही। और बस सारे जगह यही रखा हुआ है अभी यहाँ पर। तो गाइस अभी हम दूसरे वाले बच्छर में आए हैं, तो इस वाले बच्छर में हम रखते हैं जैसे राजमा हो गया, माँ होगी, और मूंग हो गया, और कुलत हो गया। एक्चुअली क्या है, मूंग की दाल को हमारी बोली में मुगंग बोलते हैं, तो मेरे मुंह में मुगंग ही आ रहा है। तो अब आप लोग तो समझ ही गए, मूंग को मुगंग बोलते हैं हम लोग। तो वो सारी दालों की जो फलियाँ हो गई है ना, उनको कूट के जो वेस्ट मटीरियल निकलता है, तो वो सब चीज़ों को हम लोग इसमें सेव करके रखते हैं और गाय
को चापन में देते हैं खाने के लिए, जैसे जब चोकर वगैरह लगाते हैं, उबालते हैं उसको, पकाते हैं, तो उस वक्त हम लोग ये सारी चीज़ें उसमें डालते हैं। तो चलिए फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं यहाँ से अंदर। तो आइए गाइस, आइए जी आइए। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये देखिए राजमा माश उसका बना हुआ है ये सारा कुछ। यहाँ देखिए माश की फलियाँ दिख रही है थोड़ी थोड़ी, माँ की दाल की, जो कि हमारी बोली में माश बोलते हैं माँ की दाल को, तो वो उसकी फलियाँ हैं ये। ये देखिए अभी दाल तो होगा नहीं, इसमें निकाल ही दिया है, निकाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम गाय को देते हैं। और इसमें बीच बीच में ये भी दिख रही हैं, देखिए मक्की के भुट्टों के छिलके रखे हुए हैं बीच बीच में, ये भी हम गाय को देते हैं सुखा के, हम इसे वेस्ट जाने नहीं देते, ये भी गाय के लिए रख देते हैं। तो इस वाले बछर में ये सारी चीज़ें हम मिला के रख देते हैं। तो चलिए अब दूसरे वाले में चलते हैं। अभी आई हूँ मैं दूसरे वाले बछर में। तो यहाँ पे रखे हुए हैं गोभी के सूखे पत्ते, और हरे पत्ते भी है और सूखे पत्ते भी है गोभी के, और एप्पल्स रखे हैं जो कि गाय को हम सर्दियों में देते हैं। तो ये देख सकते हैं गोभी के सूखे पत्ते, ये देखिए देखिए किस तरीके से सूख चुके हैं ये पत्ते। और उसके बाद ये एप्पल्स देख सकते हैं, यहाँ पे एप्पल्स रखे हुए हैं, ये देखिए। ये सारा चापन में मिला के गाय को देते हैं हम सर्दियों में खाने के लिए, गाय के लिए ही है ये सब कुछ, ये देखिए। तो गाइस हम अपने तीसरे बछर में आए हुए हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ मक्की के घास को हमने किस तरीके से सुखा के रखा हुआ है। ये है मक्की का घास और हमने सुखा के रखा है। तो ये हम आजकल देते हैं गायों के लिए खाने के लिए, उनको गर्मियों में सुखाते हैं और सर्दियों में देते हैं। तो ज़्यादातर गायों को क्या सर्दियों में ये सूखे हुए घास ही खाने को मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे फ्रेश फ्रेश एप्पल्स रखे हुए हैं खाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे सर्दियों के लिए, और इतना क्रंची एंड क्रिस्पी, देख सकते हैं कितना टेस्टी है, क्रंची एंड क्रिस्पी। जैसे कि आप लोगों को ये दिख रही है ये पत्तियाँ, इसे बान के पेड़ की पत्तियाँ कहते हैं, बान का पेड़ जो कि किन्नौर में पाया जाता है, और जगह भी होते होंगे हिमाचल में, मुझे इतना पता नहीं है, पर हमारे किन्नौर में तो इसे बान का पेड़ कहते हैं। आप लोगों के अगर वहाँ होते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि इसे क्या कहते हैं आप लोग। और ये जो है बान का पेड़, हमारी बोली में इसे कहते हैं ब्रे, ब्रे बान के पेड़ को ब्रे बोलते हैं, और बोठंग मीन्स पेड़, किन्नौरी बोली में बोठंग पेड़ को बोलते हैं, तो ब्रे बोठंग हो गया बान का पेड़, और वे उसकी इसकी पत्तियां हैं। और ये होती तो सदा बहार है, आपको गर्मियों में और सर्दियों में मिल जाएगी देखने को, लेकिन क्या होता है हम इसे सिर्फ सर्दियों में ही खिलाते हैं गाय को, क्योंकि ये गर्म होती हैं ये पत्तियां, गाय के लिए बहुत अच्छी होती है और दूध भी बहुत अच्छी मतलब देती है गाय। तो गाइज अभी बना रहे हैं चापन, गर्म कर रहे हैं, अभी आग जला रहे हैं, देखिए इसमें है चापन गाय के लिए, पत्ते गोभी के सब कुछ मिक्स कर दिया गया है इसमें, अभी बन रहा है। तो ये है हमारे गायों का किचन, हमारी गाय का किचन भी है ये देखिए। तो गाइज ये है चोकर जो कि सुबह भिगो के रखते हैं और शाम को देते हैं, ये देखिए ये चापन में मिक्स कर रहे हैं, और हमारी बोली में चापन को पनिंग बोलते हैं हम। तो गाइस हमारा जो दही है वो तैयार हो चुका है, देखिए सर्दियों में दो दिन में तैयार होता है दही, और गर्मियों में एक दिन में तैयार होता है दही। और इस दही को अब हम ले जा रहे हैं लस्सी बनाने के लिए।
गाइस अभी दही डाल दिया है मधानी में, तो बस अब आजकल तो सुविधाएं हो चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से, पहले पहले तो हाथ से ही करते थे, तो अब हमारा जो लस्सी है वो तैयार होने लगा है। तो गाइस देखिए हमारा मक्खन बिल्कुल रेडी है, तैयार है, ये देखिए। अब मक्खन को काट रहे हैं हम, ये हम 10-15 दिन का इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे देख सकते हैं मम्मी डाल रहे हैं अभी कढ़ाई में काटने के लिए। तो 10-15 दिन का ये मक्खन इकट्ठा करेंगे हम, फिर इसे काटेंगे घी बनाने के लिए। तो देख सकते हैं कि फ्रेश फ्रेश घी बन रहा है अब यहाँ पर, और ये आपको पता ही है जैसे कि काऊ के मिल्क से ही बना हुआ है ये सारा। तो गाइस देख सकते हैं कि अब हमारा जो ताज़ा ताज़ा घी है वो तैयार हो चुका है, ये देखिए एकदम येलो येलो सा फ्रेश घी है। तो गाइस ये देखिए हमारे ताज़े ताज़े घी जो तैयार हुई थी, हम जो काट रहे थे ये वही है। तो दोस्तों अब हम बना रहे हैं खट्टी लस्सी के छुरा, जो कि हमारी बोली में छुरा बोलते हैं, आप लोगों के वहाँ लाहौल स्पीति अपर में पता नहीं क्या बोलते होंगे, ज़रूर बताइएगा छुरा को, जो कि लस्सी से बनता है, हमारे किन्नौर में तो छुरा बोलते हैं। तो ये और पनीर बनाने का सेम प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, सेम ही है। तो देख सकते हैं ये लस्सी है, अलग अलग हो रहा है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि जैसे पनीर को तो दबा के रखना पड़ता है सुबह से शाम तक, मतलब तैयार हो जाता है दिन को, मतलब कुछ घंटे दबा के रखना होता है तो तैयार हो जाता है। और ये छुरा को थोड़े से मतलब जब तक पानी निकल जाए इससे तब तक दबाते हैं, और उसके बाद हाथों से मसलते हुए सुखाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगी। ये कुछ इस तरीके से दिखता है पानी मतलब निकलने के बाद, और इसे हम वरांडे में सुखा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से करके हम इसे धूप में सुखाते हैं, और इसे हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि शलगम के पत्तों की जब साग बनती है तो उसमें भी ये लगाया जाता है छुरा। और एक सिंपल डिश होता है सिगरी करके, उसमें भी लगाया जाता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो कैसे बनाते हैं। ये छुरा को यूज़ किया जाता है। हम पनीर बनाने के लिए कोई फिटकरी या कोई खट्टा यूज़ नहीं करते, मतलब जैसे कि लेमन वगैरह हो गया ये यूज़ नहीं करते हम, लस्सी ही डालते हैं। तो लस्सी डाला जा रहा है, तो गाइस देख सकते हैं कि हमारा पनीर तैयार हो चुका है, ये देखिए। और इसे हम इस तरीके से डालते हैं, एक कपड़े में लेकर। फिर हम रख देते हैं पनीर को तैयार होने के लिए, इससे पानी निचुड़ जाता है पूरा, अच्छे से शेप आ जाता है अच्छा वाला, और ऊपर से पत्थर से ढक देते हैं। तो गाइस बस अब ऐसा रख देंगे और शाम तक ये तैयार हो जाएगा, बस खाने के लिए तैयार हो जाएगा।
तो पनीर कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम। पनीर बनके तैयार है, ये देखिए, ये देखिए पनीर। तो इस तरीके से हमारा पनीर तैयार होता है, जो लोकल पनीर हम तैयार करते हैं घर पे, तो ऐसा होता है। आप लोगों ने क्या क्या देखा इस व्लॉग में? आप लोगों ने देखा कि हम काउस की विंटर्स में कैसे केयर करते हैं, उनको खाने के लिए क्या क्या देते हैं, और उनकी घास डिफरेंट टाइप्स और जो जो भी रखा हुआ है हमने किस तरीके से रखा हुआ है, और जो गायों का दूध है उससे क्या क्या प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं, पनीर, चूरा, घी, मक्खन, लस्सी, ये सारी चीज़ें हम घर पर ही तैयार करते हैं, कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग कह रहे थे कि आप लोग हमने कौन कौन से काउस पाले हैं, तो देसी और जर्सी मिक्स है हमारे पास, हम और बस यही सब आप लोग काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे कि दिखाना। तो अब आप लोगों को बताना होगा कि ये वाला व्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।